नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जीत सिरप के बारे में। ये एक कफ सिरप है, खांसी के लिए बेस्ट सिरप माना जाता है और डॉक्टर्स द्वारा भी सबसे ज़्यादा लिखा जाता है। तो इस सिरप के बारे में हम आपको फुल जानकारी देंगे, इसका रिव्यू करेंगे, जैसे इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किन किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, इसका कंपोजिशन क्या है, इसका प्राइस क्या है और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए, इन सब बातों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा और आप कई तरह की साइड इफेक्ट से भी बच सकेंगे। मेरा नाम शिवपाल कुमार है, मैं एक फार्मासिस्ट और मेडिसिन कंसल्टेंट हूँ। अगर आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें तीन ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें पहली ड्रग है डाइफेनहाइड्रामाइन जो कि 10 mg है, दूसरी है अमोनियम क्लोराइड जो कि 100 mg है और थर्ड है सोडियम साइट्रेट जो कि 60 mg इसमें प्रजेंट है। अगर इसके प्राइस के बारे में बात की जाए तो 84.80 रुपये इसका प्राइस होता है और ये आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। अब हम बात करेंगे इसकी कंपनी के बारे में। तो ये एलम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का प्रोडक्ट है और अगर इसके यूजेस के बारे में बात की जाए, इसके उपयोग के बारे में बात की जाए, तो ये खांसी के लिए बेस्ट सिरप मानी जाती है। कफ के लिए ये स्पेशली डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन इसके अलावा ये सांस संबंधी बीमारियों को ठीक करती है, एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करती है और नॉर्मल सर्दी जुकाम को भी ये ठीक करती है। अगर डोज की बात की जाए तो डोज के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, उसकी डिजीज़ की कंडीशन, उसकी एज, मेल या फीमेल है क्या है, इन सब के बारे में डॉक्टर पहले चेक करता है, उसके बाद डोज प्रिस्क्राइब करता है। इसलिए आपको खुराक के लिए डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कब्ज होना, उनिंदापन होना, कन्फ्यूजन होना यानी मानसिक उलझन होना, इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस सिरप से हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी प्रिकॉशंस के बारे में, आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले इस सिरप का यूज करने से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में ये सिरप असुरक्षित मानी जाती है, इसलिए आपको डॉक्टर की सलाह के बगैर इस सिरप का यूज़ नहीं करना चाहिए। विटामिन और जो हर्बल सप्लीमेंट होते हैं इनके साथ भी इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको डॉक्टर से पहले बात करनी चाहिए, उसके बाद ही यूज़ करना चाहिए। अगर आपको इस सिरप से एलर्जी होती है तो आप इसको तुरंत स्टॉप कर दें और तुरंत जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये थी जानकारी जीत सिरप के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।